डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फोर्थ सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के लास्ट चैप्टर चैप्टर 9 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं उसके बारे में आपको जनरल आइडिया दूंगा। ये चैप्टर टोटली थ्योरेटिकल है कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं न्यूमेटिक सिस्टम के, उन कंपोनेंट्स का क्या क्या उपयोग है, और जिसमें से कि एयर सिलेंडर्स, FLR यूनिट और उनका मेंटेनेंस वगैरह, इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो देखो भाटा, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम और उनका फंक्शन क्या है। न्यूमेटिक सिस्टम क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड गैस से चलने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं वो सिस्टम कहलाता है न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है भाई, कि कंप्रेस्ड एयर है तो अब हमें किसी एयर सिलेंडर में भेजते हैं, सिलेंडर में वो पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स से लीनियर मोशन मिलती है, उस लीनियर मोशन का यानी उस मैकेनिकल एनर्जी का हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। तो दैट आर द न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेस्ड गैस के माध्यम से जो भी यूनिट चलती हो वहां पर हम यूज करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है भाई, यानी जो तो न्यूमेटिक सिस्टम के ऑपरेशन के लिए उसमें प्रयुक्त कंपोनेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो न्यूमेटिक सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो दैट इज द एयर कंप्रेसर, जो कि कंप्रेस्ड एयर देता है, यानी कंप्रेस्ड एयर हाई प्रेशर की एयर डेवलप करता है, कंप्रेस करता है एयर को। ठीक है भाई, चाहे वो कोई एटमॉस्फेरिक एयर हो चाहे कोई गैस हो, तो सबसे पहला काम तो कंप्रेसर का ही है। फिर यहाँ से जो गैस निकलेगी उसके बाद कहीं भी यूज की जाएगी, उसके आगे का सिस्टम होगा एयर ड्रायर। क्योंकि कंप्रेस्ड होने के बाद कभी कभी ये कंडेंस भी हो जाती है एयर, तो उसमें नमी मॉइस्चर होता है, तो उसको सुखाने के लिए हम एयर ड्रायर का उपयोग करते हैं। एयर वॉल्व, एयर सिलेंडर, एयर एक्चुएटर्स आदि ये तो शामिल ही हैं, और इस सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिकल ऑपरेशन के लिए कुछ एसेसरीज का भी उपयोग किया जाता है। तो अब उनमें से कुछ निम्न है, तो आप इनके नाम और उनका उपयोग यही आपको पढ़ना है। इससे मैंने ये PDF आपको भेज दिया है, मिल गया होगा आप लोगों को। तो देखो इसमें कंप्रेसर की क्या भूमिका है, कि वह युक्ति जो यांत्रिक बल यानी मैकेनिकल एनर्जी तथा गति का उपयोग करके गैस या वायु की दाब ऊर्जा को बढ़ाता है। असली काम मेन चीज ये है कि एयर या गैस की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करना है, यानी कंप्रेसर। अब यूज क्या होता है, उसमें मैकेनिकल एनर्जी उपयोग होती है, यांत्रिक बल, चाहे वो लीनियर मोशन के रूप में हो चाहे रोटेटिव मोशन के रूप में हो, कंप्रेसर में मैकेनिकल एनर्जी यूज की जाती है और उससे किसी गैस या एयर की प्रेशर एनर्जी को बढ़ाते हैं, यानी दाब बढ़ाते हैं। क्योंकि कंप्रेस्ड एयर जो हाईली प्रेशर जो गैस या एयर है उसमें बहुत अधिक फोर्स होता है, तो उसी से हम इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट चला सकते हैं, है ना, चाहे सिविल इंजीनियरिंग निर्माण कार्य में हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिफरेंट फील्ड में हो, चाहे छोटे मोटे काम भी हो, तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं कंप्रेस्ड एयर से। दूसरा एयर रिसीवर, एयर रिसीवर यह एक क्लोज वेसल है जिसमें कंप्रेस्ड एयर को स्टोर किया जाता है। जैसा नाम है एयर रिसीवर, तो स्टोर कर सकते हैं, एक सडन कैपेसिटी होती है हर रिजर्वायर की, तो उतने उतना उसमें स्टोर करेंगे, कितने प्रेशर पर इतना मैक्सिमम वॉल्यूम स्टोर किया जा सकता है। न्यूमेटिक एक्चुएटर्स, ये समानता असेंबली लाइन या लोडिंग और अनलोडिंग पर्पज के लिए उपयोग किए जाते हैं। न्यूमेटिक सिलेंडर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब न्यूमेटिक एयर को हम कहीं उपयोग करते हैं किसी मशीनरी में, तो सबसे पहले उसको न्यूमेटिक सिलेंडर में भेजते हैं। तो न्यूमेटिक सिस्टम में सिलेंडर एक मैकेनिकल डिवाइस है, इक्विपमेंट है, जो कंप्रेस्ड एयर से बल उत्पन्न करता है। एक बार न्यूमेटिक सिलेंडर सक्रिय हो जाता है तो कंप्रेस्ड एयर पिस्टन के एक सिरे से प्रवेश करती है और पिस्टन को फोर्स प्रदान करती है, जिसके कारण पिस्टन गति करता है। यानी पिस्टन को फोर्स देगी तो उससे क्या होगा, पिस्टन लीनियर मोशन करेगा। उस लीनियर मोशन को आप चाहे जिसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आप रोटेटिव मोशन में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसा आपको जो भी पर्पज आपको सॉल्व करना चलाना है उस हिसाब से उसको, उस मोशन को कन्वर्ट कर लीजिए। क्योंकि मोशन दो रूप में प्राप्त की जा सकती है, आइदर लीनियर मोशन और रोटेटिव मोशन। अब इसको आप चाहे जैसे वर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं कन्वर्ट करके।
एयर ड्रायर है, ये जस्ट लाइक एसोसरीज है, क्यों यूज करते? इसका कार कंप्रेस्ड एयर की नमी दूर करना है, जैसे नाम है ड्रायर तो सुखाना है। चेक वॉल्व, चेक वॉल्व पहले भी हाइड्रोलिक सिस्टम में भी आपको बताया था कि चेक वॉल्व का काम क्या होता है कि एयर फ्लो को एक ही दिशा में होने देना है, विपरीत दिशा में प्रवाह को ये वॉल्व रोक देता है, ठीक है, एक दिशा में फ्लो होने दे, फिर अगर उसको वापस लाना है तो रिटर्न होके कहीं और जाएगी, वापस उसी सिलेंडर या किसी उसी चीज में नहीं आएगी या उसी पाइपलाइन में नहीं आएगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ऐसी जगह पर हम चेक वाल्व लगा देते हैं जिससे रिटर्न ना करना हो। प्रेशर स्विच, इस स्विच का प्रयोग एयर रिसीवर में वांछित दाब बनाए रखना है, ठीक है, जो एयर रिसीवर है जिसमें एयर भरते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे कंप्रेसर यूनिट में भी, जैसे साइकिल के पंचर और ये लगाने वाले, उनके यहाँ भी एक बड़ा सा सिलेंडर रखा रहता है, उसके ऊपर एक दाब गेज भी लगा रहता है, प्रेशर रेगुलेटर, तो वो प्रेशर को मेंटेन करता है, नहीं तो ओवर प्रेशर हो जाएगा तो फट भी सकता है ना। अब आता है आफ्टर फिल्टर। आफ्टर फिल्टर यानी एयर ड्रायर के पश्चात स्थापित किए जाते हैं कि नमी दूर हो गई। अब अगर एयर या गैस में कोई संदूषण है यानी कोई गंदगी है तो फिर क्या करते हैं उनको, इनका कार डाउनस्ट्रीम साइड में लगे उपकरणों को दूषित वायु से बचाना है। ये तरल को फिल्टर करके अवांछित धूल मिट्टी के कणों को अलग करते हैं, है ना, कि बहुत से एयर सक्की और उसको कंप्रेस किया था उसमें धूल मिट्टी होगी, तो उस धूल मिट्टी को हटाते हैं जिससे कि जहां पर उस कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करना है, जहां मेन उपकरण उपयोग करना है, तो वहां पर स्वच्छ वायु जाए, मतलब कंप्रेस्ड एयर जाए लेकिन उसमें गंदगी ना जाए, जिससे कि दूसरे पार्टों को ये उनकी लाइफ बढ़ाए और उनको वियर एंड टियर से बचाने की कोशिश करें। एयर सर्विस यूनिट यानी एयर सर्विस यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूमेटिक सिस्टम, चाहे एयर सर्विस यूनिट कहा जाए चाहे उसको कहा जाए FLR यूनिट। तो एयर सर्विस यूनिट क्या होता है, फिल्टर, F फिल्टर, R रेगुलेटर एंड L लुब्रिकेटर, यानी FRL यूनिट कहलाती है। इसका उद्देश्य लाइन में लगे अन्य अनुप्रयोगों को वायु की सप्लाई करना, वांछित दाब पर स्वच्छ वायु उपलब्ध कराना जो फिल्टर करता है, और इसमें लुब्रिकेंट भी मिला देते हैं जो स्नेहन की आवश्यकता होती है, जिन उपकरणों में जो घूमने वाले पार्ट होते हैं वहां पर स्नेहन भी होता है, तो इसके कारण सेवा काल भी बढ़ जाता है, जो भी इक्विपमेंट हम न्यूमेटिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनके लाइफ बढ़ जाती है ये एयर सर्विस यूनिट प्रोवाइड करने से, ठीक है भाई। एयर प्रेशर रेगुलेटर, ये एक वायु दाब नियामक का कार लाइन दाब तथा वायु खपत में होने वाले उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करते हुए जो वर्किंग प्रेशर को है वो कांस्टेंट बनाए रखना है, यानी जो हमें इक्विपमेंट पे वर्किंग प्रेशर चाहिए जितना, उसको मेंटेन करने के लिए एयर प्रेशर रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, अब ये क्या होता है कि न्यूमेटिक सर्किट में फ्लूइड के फ्लो की दिशा को बदलने के लिए इन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। भाई किसी अन्य डायरेक्शन में कोई इक्विपमेंट चल रहा है, उसका कोई पार्ट दूसरी डायरेक्शन चल रहा है, तो वहां भी हमें देना है ये कंप्रेस्ड एयर, तो उसके लिए हमें ये फ्लूइड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का उपयोग करते हैं। ये पैकेजिंग, संयोजन, असेंबली, हैंडलिंग आदि अनेक अनुप्रयोगों में लगे सिलेंडरों, घूर्णन गति करने वाले अंगों, ग्रीपर तथा अन्य मैकेनिज्म में कंप्रेस्ड एयर के प्रवाह को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ऑटो स्पीड कंट्रोलर, अधिकतर न्यूमेटिक सिस्टम में क्या होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर के धीरे धीरे ट्रैक्शन या प्रतिकर्षण के लिए गति नियंत्रण आवश्यक है, तो इसके लिए डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व तथा चेक वाल्व के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है, यानी चेक वाल्व और डायरेक्शन वाल दोनों को कंबाइंड उपयोग करेंगे, ठीक है भाई। ऑटो ड्रेन, एयर रिसीवर में वायु ठंडी होकर क्या होती है, कंडेंस होती है, और कंडेंस होने के कारण क्या होता है, संघनित जल मतलब बूंदों के रूप में होकर और उसमें पानी सा भर जाएगा, उसमें जो भी ये सिलेंडर जो एयर सिलेंडर है, तो उस जलवायु को ग्राही की तली में एकत्र हो जाता है, और ऑटो ड्रेन का कार्य संघनित जल को बाहर निकालना, ठीक है भाई। अब आपके सिलेबस में कंप्रेसर का केवल इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज द कंप्रेसर, ठीक है, और एयर सिलेंडर के बहुत सारे टाइप हैं, कितने टाइप के सिलेंडर
और कहाँ उपयोग किए जाते हैं, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे। तो देखो कंप्रेसर, आपको ये तो पता है क्या होगा कि एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से वायु को निम्न प्रवेश दाब से उच्च निकास दाब तक कंप्रेस करने के लिए काम आती है, और संपीड़ित वायु का दाब उसका आयतन, संपीड़क जो होता है यानी कंप्रेसर जो होता है, वायु का दाब उसका वॉल्यूम कम करके बढ़ाता है। कि पहले सिलेंडर के अंदर हमने सक की वायु, फिर पिस्टन उसमें चलाते हैं, तो इससे वायु कंप्रेस होती है, उसका आयतन कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। जैसे प्रेशर बढ़ जाएगा, डिलीवरी वाल्व से उसको जहां पर एकत्र करना है एकत्र कर लेंगे, या उपयोग के लिए डायरेक्ट देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, लाइन में ही जोड़ देते हैं। बहुत जगह इंडस्ट्रीज में लाइन में कंप्रेसर यूनिट लगी होती हैं, उनसे डायरेक्ट पाइपलाइन निकलती हैं और उनमें सारी ARL यूनिट वगैरह लगी होती हैं, एयर यूनिट वगैरह, और उससे सीधे मशीनों में कनेक्शन देते जाते हैं। जिस मशीन का जैसा वर्क है उस न्यूमेटिक एयर से वो मशीन वर्क करती रहती है। तो लाइन में भी लगे रहते हैं बहुत सारे, सीरीज में लगा देते हैं बहुत सारे कंप्रेसर, उनकी सारे सबकी डिलीवरी एक पाइप से पूरे में फ्लो कराते हैं इंडस्ट्री में, और सारी मशीनों को जोड़ते हैं उससे। तो डिमांड के अनुसार उसमें फिर कंट्रोलर भी लगाते हैं, कितना प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी फ्लो होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सिस्टम लगाते हैं। ऑटो सिस्टम भी कर सकते हैं। छोटे मोटे काम करने हैं तो सिलेंडर पहले कंप्रेसर से लाके उसके एयर जो है कंप्रेस्ड एयर को एयर रिसीवर में एकत्र कर लेते हैं, फिर रिसीवर से फिर उसको यूज करते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा साइकिल के पंचर या स्कूटर वगैरह के जोड़ते हैं पंचर वगैरह, उनमें हवा भरने के लिए, ये सब ट्रक के टायर में, कार में हवा भरवाने के लिए, तो वो रिसीवर में यूज कर लेते हैं, वो कलेक्ट कर लेते हैं कंप्रेस्ड एयर को। अब ये कंप्रेसर बहुत तरीके के हो सकते हैं, बेसिकली दो होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और एक होते हैं डायनामिक डिस्प्लेसमेंट टाइप। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं रेसिप्रोकेटिंग टाइप, तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी टाइप। तो रेसिप्रोकेटिंग में पिस्टन टाइप, लेबिरिंथ कंप्रेसर, डायाफ्राम कंप्रेसर। रोटरी टाइप में ट्विन स्क्रू टाइप, वैन टाइप, लॉब टाइप और लिक्विड रिंग कंप्रेसर। और ये जो होते हैं डायनेमिक डिस्प्लेसमेंट में, इसमें होते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, जो कि ज़्यादातर टर्बाइंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये कंप्रेसर का आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल नहीं है कि उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और सारे कंप्रेसर का नहीं करना है। अब आता है जो मेन, जो कंप्रेस्ड एयर, जब हमने कंप्रेसर से एयर कंप्रेस्ड कर ली, तो अब उस कंप्रेस्ड एयर का हमें इक्विपमेंट पे उपयोग करना है। तो यानी एक न्यूमेटिक सिस्टम में, तो सिस्टम में मेन रहता है एयर सिलेंडर। तो एयर या न्यूमेटिक सिलेंडर वे डिवाइसेज हैं जो वायु दाब को लीनियर मोशन और लीनियर मैकेनिकल फोर्स में बदलते हैं, या कंप्रेस्ड एयर की पावर का उपयोग कर रेसिप्रोकेटिंग यानी लीनियर मोशन में एक बल उत्पन्न करते हैं, है ना, एक फोर्स डेवलप करते हैं। किस फॉर्म में, या तो लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन के फॉर्म में। जो एयर सिलेंडर में कार्यकारी तरल एक गैस है, यहाँ जो वर्किंग मीडियम में क्या है, गैस है, कौन सी गैस, कंप्रेस गैस या एयर। अतः इन सिलेंडर में टपकते हुए रिसाव आदि नहीं होते जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम में होते हैं। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में भाई लीकेज भी कर सकता है ऑयल वगैरह, इसमें नहीं होते, और आसपास पॉल्यूशन भी नहीं होता भाई, इनके द्वारा पॉल्यूशन भी नहीं होता। इनका उपयोग उद्योगों में व्यापक रूप से होता है, जैसे कि मूविंग गेट्स, वॉल्व, लीवर, प्रेसेस, क्लैंपिंग, स्टैंपिंग, ट्रांसफरिंग, मीटरिंग, टिल्टिंग, इजेक्टिंग तथा अन्य अनुप्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें लीनियर एक्चुएटर भी कहते हैं, बेसिकली ये सो सिलेंडर कहलाते हैं, ये लीनियर एक्चुएटर भी कहलाते हैं। अब डिफरेंट टाइप के सिलेंडर आपके उपयोग किए जाते हैं सिस्टम में। तो अब ये सिलेंडर कई प्रकारों में उपलब्ध होते हैं, इनमें सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डायाफ्राम, टेंडन, डुप्लेक्स, रॉडलेस आदि सिलेंडर प्रमुख है। अब जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसी तरीके का सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो ये सिलेंडर बेसिकली क्या है कि एयर सिलेंडर है, जिसमें कि हमें कंप्रेस्ड एयर यहाँ भेजते हैं और उसको फिर लीनियर मोशन में फोर्स डेवलप होता है। किसमें, कि जब हम किसी सिलेंडर भेजेंगे तो उस पर पिस्टन पर फोर्स सप्लाई होगा तो पिस्टन लीनियर मोशन करेगा, तो इस हिसाब से हमें लीनियर मोशन के रूप में मैकेनिकल फोर्स प्राप्त होता है। तो देखो सिंगल एक्टिंग का ये चित्र है। सिंगल एक्टिंग का मतलब क्या है कि जहां पर एक तरफ से ही वायु
प्रवेश करे और प्रेशर पर फोर्स अप्लाई करे एक कंडीशन हो, और दूसरे बार पिस्टन रिटर्न हो, फिर इसमें एयर एंटर करे। यानी इन सिलेंडरों में वायु एक सिरे से प्रवेश करती है, इसलिए इसे एकल सिलेंडर कहते हैं, केवल एक सिरे से प्रवेश करती है। और कभी कभी हम पिस्टन के दोनों तरफ एंट्रेंस लगा दे तो डबल एक्टिंग हो जाते हैं। तो इन सिलेंडरों में वायु एक सिरे से प्रवेश करती है, इसलिए इसे एकल सिलेंडर कहते हैं। एकल क्रिया सिलेंडर पिस्टन के एक सिरे पर कंप्रेस्ड एयर प्रेशर लगाते हैं, जिससे इसे बढ़ाया या वापस लिया जा सके। इस प्रकार ये गति की केवल एक ही दिशा में कार्य करते हैं। पिस्टन को अपने गैर दबाव या विराम स्थिति में लौटने के लिए एकल क्रिया सिलेंडर या तो विरोधी स्प्रिंग का उपयोग कर सकते हैं या अनुप्रयोगों के विरोधी बल या लोड का उपयोग कर सकते हैं। यानी जहां से हमने कंप्रेस्ड एयर भेजा तो ये इसने गति की, अब इसको वापस अपनी कंडीशन में लाना है तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स का उपयोग करते हैं या कोई और अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स लगाते हैं अपोजिट अपोज करने के लिए, तब पिस्टन वापस आएगा, फिर यहां से एंटर करेगा, फिर इस तरीके से ये वाले सिंगल एक्टिंग सिलेंडर काम करते हैं। अब डबल एक्टिंग में क्या होता है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो कार्यकारी पोर्ट होते हैं, यानी पिस्टन के राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, या जैसे वर्टिकल सिलेंडर है तो अपर साइड में भी लोअर साइड में भी। तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो कार्यकारी पोर्ट होते हैं, एक पिस्टन साइड में तथा दूसरा रॉड साइड में, ये जो पिस्टन रॉड लगी है इस साइड में भी और एक इस साइड में भी। तो दूसरा होता है रॉड साइड में। तो अग्रगति प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पिस्टन साइड से तथा रॉड साइड से एग्जॉस्ट से जुड़ी होती है। तो वापसी स्ट्रोक में वायु रॉड साइड से प्रवेश करती है तथा पिस्टन साइड का आयतन एग्जॉस्ट से जुड़ा होता है। यानी जब ये यहाँ पर फोर्स देगा तो जो पहले इसमें वायु थी वो एग्जॉस्ट करेगी। ये डबल एक्टिंग इस तरीके का होगा, ये तो इसमें इस साइड भी है और इस साइड भी है। एक बार तो ये प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा तो इस तरफ वाली ये एग्जॉस्ट से जुड़ेगा, जब यहां से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा कंप्रेस्ड एयर जाएगी तो जो यहां पर जो आ गई थी पहले एयर वो एग्जॉस्ट साइड से जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से डबल एक्टिंग, तो डबल एक्टिंग सिलेंडर में सिलेंडर को वास्तविक स्थिति में पहुंचाने के लिए अंदर और कोई स्प्रिंग नहीं होती, मतलब अंदर कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं होती जैसा कि सिंगल एक्टिंग में होती है, क्योंकि वहां पर एयर या गैस के प्रेशर से ही एक बार उस डायरेक्शन में जाएगा तो दूसरा फिर वापस अपनी स्थिति में लौटेगा। जब वापस स्थिति में लौटेगा तो इस तरफ जो प्रेशर फोर्स अप्लाई था वो वाली गैस एग्जॉस्ट साइड से जुड़ेगी और उस दूसरे साइड रॉड साइड की जो इस साइड वाली होगी ये प्रेशर के साथ एंटर करेगी, तो ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगी। जब फिर इस डायरेक्शन से प्रवेश करेगी तो फिर ये एग्जॉस्ट साइड से जुड़ जाएगी, ये सारी गैस जो आई थी एग्जॉस्ट साइड चली जाएगी और यहां से प्रेशर अप्लाई होगा, तो दोनों तरफ से प्रेशर फोर्स मिलता रहता है, तो ये कहलाते हैं डबल एक्टिंग। दिस इज द डबल एक्टिंग सिलेंडर। तीसरे सिलेंडर है रोटेटिंग सिलेंडर। यानी रोटेटिंग सिलेंडर क्या है, ये एक रोटेटिंग डिवाइस को रेखीय गति प्रदान करती है। कभी कभी ये टरेट लेथ पर घूर्णी चकों को, जो रोटेटिंग चक्स हैं उनको गति देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। घूर्णी सिलेंडरों में तरल एक कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर से प्रवेश करता जाएगा और उसमें थ्रस्ट करता जाएगा तो रोटेटरी मोशन डेवलप होती जाएगी, जिसमें बकेट्स वगैरह लगे होंगे उनमें सीधे कंप्रेस्ड एयर थ्रस्ट करेंगे तो रोटेटरी मोशन मिलेगी। दूसरे चौथे प्रकार कहते हैं नॉन रोटेटिंग सिलेंडर्स। तो ये सिलेंडर्स ऐसे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त होते हैं जिनमें एक्यूरेट लीनियर पोजीशन तथा प्रसाइज एंगुलर ओरिएंटेशन दोनों की आवश्यकता होती है। तो स्टैंडर्ड सिलेंडर्स में रॉड की घुमाव से बचाने के लिए विशिष्ट गाइड लगाए जा सकते हैं। कभी कभी पिस्टन रॉड का प्रयोग भी रॉड को घुमाने से रोकने के लिए किया जा सकता है। दूसरे अब पांचवें तरीके के और भी सिलेंडर्स हैं। तो इस तरीके से आप करीब 8-9 तरीके के सिलेंडर, अब जैसा जहां पर्पज हो वहां पर उसी तरीके को उपयोग करेंगे। अब एक आता है रॉड लेस या पिस्टन टाइप सिलेंडर। इनमें क्या होता है, इन सिलेंडर में कोई रॉड नहीं होती, रॉड लेस केवल अपेक्षाकृत एक लंबी पिस्टन होती है।
केवल सिलेंडर एक या दोनों सिरों पर खुलते रहते हैं, लेकिन एक रॉड के बजाय एक लचीली केबल को पास करते हैं। यह केबल सीलबंदी के उद्देश्य के लिए एक चिकनी प्लास्टिक की जैकेट रखती है। निसंदेह ये केबल के तनाव में रख एक केबल को तनाव में रखा जाना चाहिए। अन्य रॉड रहे सिलेंडर दोनों सिरों को बंद कर देते हैं। पिस्टन को चुंबकी या यांत्रिक रूप से एक एक्चुएटर में कपुल्ड करते हैं जो सिलेंडर के बाहर गति करता है। चुंबकीय प्रकार में सिलेंडर पतली दीवार का बना होता है और अचुंबकीय पदार्थ में सिलेंडर एक शक्तिशाली चुंबक होता है। उसके बारे में बताया भाई, इसको पढ़ लीजिए क्या। डायाफ्राम सिलेंडर में पिस्टन के स्थान पर एक डायाफ्राम का उपयोग करते हैं। डायाफ्राम क्या होता है? एक धातु या प्लास्टिक की या रबड़ की कठोर रबड़ के बना होता है और एक चौड़े तथा समतल एनक्लोजर बनाने वाले दो मेटालिक हॉल्स में बीच में यानी इन दो हॉल्स के बीच में क्लैंप किया रहता है। यहां से ऐसे करके क्लैंप कर दिया तो वास्तव में घर्षण रहित व सस्ते होते हैं। इनका उपयोग अनेक अनुप्रयोगों जैसे लिफ्टिंग, क्लैंपिंग, सिक्का ढलाई यानी क्वाइनिंग, टर्निंग या अन्य रेखीय बल तथा एक्चुएशन मोशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, ये उपयोग है। इतना ही आपको जानना है कि होता क्या है और कहाँ उपयोग करते हैं। अब एक आता टेंडेम सिलेंडर क्या होता है? दो या अधिक सिलेंडरों को कंबाइंड कर देते, संयोजन होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक एकल यूनिट बनाते हैं और फ्लूड यानी जो गैस का प्रवाह एक स्वतंत्र दिशा इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए क्या है कि नौसेना के विमानों में सख्त संचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली में है, जो मैरीन जो नौसेना के विमान होते हैं वहाँ विमानों में सख्त संचालित उड़ान नियंत्रण या उनको कंट्रोल सिस्टम में इनका उपयोग किया जाता है, इन सिलेंडर्स का। तो मेन चीज उपयोगी याद रखना है कि भाई सख्त संचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली में यानी जो एयर लिफ्ट प्रणाली होती है, कंट्रोल सिस्टम होता है, उसमें इन सिलेंडर्स का उपयोग करते हैं, टेंडेम सिलेंडर। डबल सिरा सिलेंडर, ये एक डबल एक्टिंग प्रकार के सिलेंडर होते हैं जिनमें एक पिस्टन रॉड पिस्टन के दोनों तरफ फैली रहती है। इस प्रकार के सिलेंडर का प्रमुख लाभ यह है कि पिस्टन के दोनों तरफ का कार्यकारी क्षेत्रफल बराबर होता है। इससे पिस्टन समान दर से चलता है तथा प्रत्येक दिशा में बराबर बल लगता है। एक लास्ट तरीके का और सिलेंडर रहता है जिसको कहते हैं डुप्लेक्स सिलेंडर। यानी डुप्लेक्स सिलेंडर में भी दो या दो से अधिक सिलेंडर एक सीध में लगे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, जैसे एक ही सिलेंडर एक सिलेंडर एक साथ लगे होते हैं। लेकिन इन सिलेंडर की रॉड दूसरे सिलेंडर के रॉड रहित सिरे पर निकली होती है और ऐसे ही आगे चलता रहता है। यह डुप्लेक्स सिलेंडर दो से अधिक इनलाइन सिलेंडरों से बना हो सकता है जिसकी स्ट्रोक लंबाइयां अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इसकी स्ट्रोक लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो, इसकी यहाँ से यहाँ तक हो, ये लेंथ अलग अलग भी हो सकती है इनके। ठीक है भाई, तो ये दीज आर ऑल द सिलेंडर। अब सिलेंडर के बाद आता है आपका एयर फिल्टर रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, जिसको कहते हैं FRL यूनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। और इसके बाद कुछ मेंटेनेंस और इनका अप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इसे दो लेक्चर में कवर हो जाएगा, दो वीडियो लेक्चर में। बाकी PDF मैंने भेजा ही हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।